वंदे पुरुषोत्तमम। श्री श्री ठाकुर जी के एक भक्त हुए श्री अवधेश कुमार सिंह, वो लिखते हैं कि मेरी दीक्षा का संयोग कैसे हुआ। अक्टूबर 1993 के पहले की बात है, जब मैंने दीक्षा नहीं ली थी। मैं और मेरे मित्र पाठक जी आध्यात्मिक चर्चाएं प्रायः करते थे। स्वभाषी और आध्यात्मिक रुचि के कारण ही दोनों के बीच घनिष्ठता हुई थी। पाठक जी को जब ही फुर्सत रहता था तो उस समय धार्मिक कथा, ज्ञान विज्ञान, रहस्य और साहित्य की चर्चाएं परस्पर होने लगती थीं। आध्यात्म की मुझसे ज़्यादा रुचि पाठक जी को थी। धार्मिक पुस्तकों में दोनों की रुचि इतनी थी कि हम अपनी सोच से किसी भाष्य या श्लोकों का विश्लेषण किया करते थे और विभिन्न संतों और सन्यासियों के वक्तव्यों से उसे प्रमाणित करते थे। आदत ऐसी बन गई थी कि मेरे पास कोई पुस्तक उपलब्ध होती थी तो पढ़ने के बाद मैं पाठक जी को अवश्य पढ़ने देता था और उनके पास उपलब्ध होने से वे पढ़ने के बाद मुझे अवश्य देते थे। हालांकि जिस स्थान पर हम लोगों में घनिष्ठता हुई थी उस जगह पर पाठक जी पहले से रहते थे। ब्राह्मण कुल के और धार्मिक रुचि के कारण वहाँ के अच्छे लोगों में काफ़ी लोकप्रिय हो गए थे। जब भी कोई धार्मिक पुस्तक खरीदता था तो स्वयं पढ़ने के उपरांत पाठक जी को अवश्य देता था। हम दोनों के अंदर सदगुरु ग्रहण करने की तीव्र इच्छा जागृत हो चुकी थी। इस कारण से धार्मिक पुस्तकें काफ़ी पढ़ा करते थे। दिन दिन यह इच्छा बलवती भी होने लगी। प्रत्येक धार्मिक पुस्तक का सार पढ़ने के उपरांत यही निकलता था कि अगर ईश्वर का साक्षात्कार अनुभूति पाना है तो सदगुरु की शरण में जाओ। हम लोग ऐसी जगह पर थे जहाँ पर उच्चतर आध्यात्मिक विचारों के लोग कम ही रहते थे। ऐसा कोई भी लोकप्रिय संत नहीं थे जिनके बारे में हम लोग कुछ ना कुछ नहीं जानते थे। सदगुरु पाने की लालसा, आकांक्षा, जिज्ञासा और उत्कट अभिलाषा के कारण पुस्तकों का और अध्ययन करने लगे थे। यह सिलसिला चल ही रहा था कि हम लोगों के एक शुभचिंतक ने परमहंस योगानंद जी की लिखी पुस्तक द ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी का हिंदी संस्करण पढ़ने के लिए दी। उस पुस्तक में एक प्रसंग है कि जब परमहंस योगानंद जी सदगुरु की तलाश में अनेक संतों के पास गए लेकिन उन्हें सदगुरु नहीं मिले, उसके बाद वे नेपाल के एक संत के पास गए। उस संत ने योगानंद जी को देखते ही कहा, तुम सदगुरु की तलाश में इतना क्यों भटक रहे हो, तुम्हारा सदगुरु तुम्हारे पास आएंगे। जब भूमि तैयार हो जाती है तो बीज कहीं न कहीं से आकर पड़ ही जाती है, इसलिए प्रतीक्षा करो, समय आने पर सदगुरु मिलेंगे ही, यह निश्चित है। इस प्रसंग को हम दोनों ने पढ़ा और आपस में सलाह की कि शायद हम लोगों का भी हाल योगानंद जी जैसे हो गया है, अब हम लोगों को निश्चिंत हो जाना चाहिए इसलिए कि अभी समय नहीं हुआ है और हम लोग जिनके शिष्य बनेंगे वह सदगुरु हमें खोज ही लेंगे। एक दो महीने बाद स्वर्गीय बसावनदा की लिखी पुस्तक जीवननाथ जगन्नाथ पढ़ने को मिली, जिसमें भक्तों द्वारा अनुभव किया गया लौकिक और अलौकिक घटनाओं का विवरण है। श्री ठाकुर जी की दिव्य कृपा से भक्त सराबोर हुए थे। पुस्तक पढ़ने के बाद मेरे भीतर की तीव्र अभिलाषा और बढ़ गई, लेकिन किसी श्री ठाकुर के प्रति थोड़ी भी श्रद्धा और विश्वास नहीं जगा। मैं अक्सर सोचने लगा कि इस युग में भगवान शरीर धारण कर कैसे आ सकते हैं, यह संभव ही नहीं है। श्री ठाकुर के शिष्य भले ही उनको भगवान मानकर पूजें पर मैं नहीं मानने वाला हूँ। बहुत से लोग अंधविश्वास में ही अपना जीवन शेष कर देते हैं, वैसा मैं नहीं करने वाला हूँ। 3-4 दिनों के बाद रात्रि में स्वप्न देखा कि श्री ठाकुर हमारे बिस्तर पर बैठे कह रहे हैं कि तुम मेरे ऋत्विक से दीक्षा ले लो। इस पर मैंने कहा, ठाकुर आप रहते तो मैं दीक्षा ले लेता, लेकिन आपके ऋत्विक से दीक्षा नहीं लूँगा। फिर ठाकुर जी कहते हैं कि नहीं ले लो। इसके बाद की घटना हमें याद नहीं हुई। अगले दिन जब पाठक जी से मुझे भेंट हुई तो स्वप्न की घटना सुनाई। पाठक जी ने कहा कि ऐसा होता है, जब कोई बात चेतन से अवचेतन में प्रविष्ट करती है तो वह स्वप्न में प्रकट होती है। बात आई गई वह खत्म हो गई और फिर इसकी चर्चा मैंने किसी से नहीं की। 2 सप्ताह उपरांत एक दिन मेरी तबीयत खराब रहने के कारण शाम को ही ऑफिस से सीधे वास स्थान आया और रात का खाना बनाने में लग गया। स्टोव जलाकर दाल की डेगची रखी ही थी कि दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी।
जाकर देखा तो एक परिचित व्यक्ति खड़े हैं। मैंने उनसे पूछा, क्या बात है? आपको ही बुलाने के लिए आया हूँ। मैंने कहा कि खाना बनाकर चलता हूँ। उन्होंने कहा, खाना बनाना नहीं है, खाना आप वहीं आनंद बाजार में ग्रहण कीजिएगा, वहाँ पर सारी व्यवस्था है। मैं भी केवल दाल बनाकर ही निकल पड़ा। ठंड के मौसम का शुभारंभ हो चुका था। सत्संग जहाँ हो रहा था वह जगह साफ सुथरी नहीं थी। हम लोगों के पहुँचने के पहले सत्संग आरंभ हो चुका था। भजन कीर्तन चल रहा था। सत्संग में उपस्थित लोग नीचे जमीन पर बिछी कालीन पर बैठे हुए थे और आगे श्री श्री ठाकुर का विग्रह अपने आसन पर बड़मा और बड़दा के साथ विराजमान थे। सत्संग में ज़्यादातर निम्न वर्ग के ही लोग समवेत थे। मुझे भी बैठने के लिए कहा गया तो एक कोने में रखी खाली कुर्सी पर बैठ गया, क्योंकि उन लोगों सबके साथ नीचे बैठना मुझे अच्छा नहीं लगा। सत्संग के दौरान भाषण याजन आरंभ हुआ, फिर आरती हुई और ध्वनि के साथ सत्संग समाप्त हुआ। प्रसाद बांटा गया। इसके बाद स्वर्गीय सूरज सिंहदा टाटा से मुझे परिचय कराया गया। अभिवादन का आदान प्रदान के बाद सिंहदा के मुझसे पूछा, सत्संग कैसा लगा? मैंने कहा, अच्छा ही लगा। फिर सिंहदा ने सलाह दी कि आप ठाकुर से संयुक्त हो जाइए। तब मैं मन ही मन सोचने लगा कि लगता है सदगुरु ग्रहण करने का समय आ गया है। मैं सोच ही रहा था कि किसी ने पूछा, अगर मन में कोई समस्या है तो पूछिए, हम लोग उसका समाधान करेंगे। मैंने कहा, मुझे कुछ नहीं पूछना है। इस पर सूरजदा ने कहा, ठीक है। मैं वो समझ ही चुका था कि यह ईश्वरीय कृपा के कारण ही मेरी दीक्षा का संयोग हुआ है, लेकिन अहंकार और वंशानुगत संस्कार के कारण सत्संगी लोग जच नहीं रहे थे। जिस कार्य क्षेत्र में मैं कार्य कर रहा था उस क्षेत्र का भी कोई परिचित व्यक्ति नहीं था, इसलिए थोड़ी झिझक थी, पर नकारात्मक भाव नहीं हो रहा था। द्वितीय बार दीक्षा के लिए आग्रह करने पर मैंने कहा, मैं तो अनपढ़ पत्थर हूँ और सदगुरु शिल्पीकार हैं, वे चाहेंगे तो मैं एक अच्छा मूर्त बन सकता हूँ। फिर मैंने हामी भर दी और चार लोगों के साथ मेरी भी दीक्षा हो गई। दीक्षा के बाद ही पता चला कि मेरे मित्र पाठक जी की दीक्षा सुबह में हो गई थी। मेरी दीक्षा 6 अक्टूबर 1993 को हुई थी। इसके बाद ठाकुर जी लिखित शास्त्रों का हिंदी संस्करण पूरा पढ़ गया 1-2 महीने में। उस समय हिंदी की पुस्तकें कम ही थीं, फिर भी जो उपलब्ध थीं वह पढ़ गया। दीक्षा लेने के बाद मुझे अनुभव हुआ कि काश यह गुरु मंत्र पहले मिला होता तो जो असफलताएं मेरे जीवन के साथ जुड़ी हुई थीं वह धीरे धीरे एक एक करके हटती चली गईं। भले ही कोई पाठकगण समझे या न समझे, लेकिन जो मेरे साथ घटी है वही मैं लिख रहा हूँ। जीवन जो पहले का था दीक्षा के उपरांत उसमें निखार आ गया, एक उद्देश्य जीने का मिल गया। सुख दुख सब श्री श्री ठाकुर की कृपा से एक सा हो गया। न सुख का हर्ष अपने पास में बांध सका और न दुख का दर्द ही अवसान कर पाया। बहुत से लोग ऐसे हैं जो जीवन को बिना उद्देश्य के जिए चले जा रहे हैं। उनके लिए मैं यही कहूँगा कि वे श्री श्री ठाकुर के शरणापन्न होकर देखें कि उनके जीवन में जो रिक्तता है वह कुछ दिनों में ही पूरी हो जाएगी और नई ताजी आनंद और उल्लास से उनका जीवन भर जाएगा। मुझे भी लगता था कि एक बीज मंत्र से क्या होगा, लेकिन जो शक्ति और सामर्थ्य मैंने अनुभव किया वह अद्वितीय है। बस केवल श्री श्री ठाकुर के बताए हुए नियमों, सिद्धांतों, आग्रहों और संदेशों को मानते हुए करते हुए चलना है। जीवन की जो भी समस्या, असफलता, निराशा, अधैर्य, हताशा और बाधाएं हैं वे सब स्वतः ही दूर होते जाएंगे। श्री श्री ठाकुर ने कहा है, अर्थ मान और यश पाने की आशा में ठाकुर बनाकर भक्त मत बनो, सावधान हो ठगे जाओगे। तुम्हारा ठाकुरत्व न जाने पर कोई केंद्र भी नहीं और ठाकुर भी नहीं, धोखा देकर धोखे में पड़ोगे। इस जीवन की अपार संभावनाएं हैं, इसको भी विस्तार से फैलाना है। मनुष्य के अंदर बहुत से गुण भरे पड़े हैं, उसको उजागर करना है जिससे परिवार, परिवेश और समाज का कल्याण हो। यह तभी संभव होगा जब हम किसी सदगुरु की शरण में जाएंगे और उनके आदेशों और निर्देशों को अक्षरशः पालन करते हुए चलेंगे। 7 अक्टूबर 2007 पेज संख्या 29, 30 और 31 से। जय गुरु।